बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग पावरफुल सा हेयर ग्रोथ सीरम लेकर आई हूं, जो कि हम घर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से तैयार करेंगे, जो चंद वीक में ही आपके बालों को लंबा, घना और मज़बूत बना देगा। ये हर्बल चीज़ें आपको आपके किचन से ईजीली मिल जाएंगी। इसके लिए हमें चाहिए फिनोग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना, उसके साथ हमें चाहिए कड़ी पत्ता और हमें चाहिए लौंग। ये तमाम चीज़ें हर्बल चीज़ें हैं और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हज़ारों साल पहले लोग इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बालों को खूबसूरत बनाते थे, उनके बाल हेल्थी होते थे, लंबे, घने और मज़बूत होते थे, क्योंकि वो केमिकल फ्री हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनके बाल बुढ़ापे तक ही लंबे, घने और मज़बूत होते थे। तो आइए आज हम ये सीरम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब फिनोग्रीक सीड, 4 अदद आपको लौंग चाहिए होंगे और 5 से 6 अदद आपको कड़ी पत्ता चाहिए होंगे। ये तीनों चीज़ें तकरीबन हर किचन में मौजूद होती हैं और आप इन्हें इस्तेमाल करके अपने बालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर ग्रोथ सीरम तैयार कर सकती हैं, वो भी बग़ैर किसी बजट के। आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आप इन्हें ईज़िली, और ये ऐसा केमिकल फ्री आपका हेयर सीरम तैयार होगा जो आपके बालों को बग़ैर नुकसान किए आपके बालों को लंबा, घना और मज़बूत बनाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों अज़ा को आपने किसी बाउल में डालना है। बाउल में डाल के आपने तकरीबन हाफ़ गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है। आपने ओवरनाइट के लिए आपने इसे भिगो के रख देना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है। ये मैंने पहले ही से रात को ही भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मैंने इसे यूज़ करना था। मैं भी अपने बालों में यही यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये रेमडी शेयर करूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने भिगोना है इसको, और ये देखिए ये किस तरह से ये फूल जाएंगे। ये देखिए, ये जो मेथी दाना है ये फूल के इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, और पानी का कलर देखें, ये देखें इस तरह से पानी का कलर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसे ओवरनाइट आपने भिगो के रख देना है। अब सुबह आपने क्या करना है, आपने किसी स्ट्रेनर की मदद से या कपड़े की मदद से या छलनी की मदद से, जिस तरह से भी आपको ईजी हो, आपने इसका सिर्फ हमने पानी लेना है, आपने इसका पानी जो है आपने छान लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको छान लेना है। अब आपने ये जो दूसरे आपने जो चीज़ बची है, यानी कि आपके पास फिनोग्रीक सीड और जो आपके पास लौंग और ये चीज़ें हैं, आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आप इसे एज अ मास्क भी अपने बालों में लगा सकती हैं। तो अब हमने ये पानी जो है हमने इसका निकाल लिया है। अब लास्ट में हम इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आप चाहें तो इसमें मार्केट वाला भी यूज़ कर सकती हैं, आप चाहें तो इसमें फ्रेश भी यूज़ कर सकती हैं। मैं इसमें अभी मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। ये मैं हम तकरीबन इसमें 1 चम्मच हम ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से तकरीबन 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल जो है आपने इसके अंदर ऐड करना है। एलोवेरा जेल आपने इसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से अब ये मिक्स हो गया। ये आपके पास इतना ज़बरदस्त सा आपका हेयर ग्रोथ सीरम अब तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास कोई सी भी हेयर स्प्रे बोतल हो, ये देखिए ये मेरे पास एक पुरानी हेयर स्प्रे बोतल थी तो मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो आपके पास कोई सी भी हेयर स्प्रे बोतल हो तो आपने उसके अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने इसे अपने बालों की जो रूट्स हैं उसमें अच्छी तरह से आपने लगाना है। आपने सारे बालों में जो है ना आपने इसे स्प्रे करना है। आपने तमाम बालों की जो है ना आप हल्के हल्के से आपने उनके जो है ना आप उनकी साइड करते जाएं और उनके अंदर आप अपने बालों में ये स्प्रे करते जाएं। उसके बाद आपने हल्के हाथ से 5 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए आपने उसे अपने बालों में लगे रहने देना है। अब 1 से 2 घंटे के बाद लगे रहने के बाद आपने अपने पानी को अपने बालों को सादा पानी से वॉश कर लेना है। आपने शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू आप अगले दिन भी कर सकती हैं। हाँ, जब आपने इसे इस्तेमाल करना हो तो आपके बालों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। आपने अपने बालों को पहले जिस दिन आपने अपने बालों को वॉश करना है उसके बाद आपने इस स्प्रे को इस्तेमाल करना है। आप इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ाना भी आप इसे अपने बालों में लगा सकती हैं। उसके बाद आप सादा पानी से अपने बालों को वॉश कर लें। आपको किसी
भी हर्बल शैम्पू या किसी दूसरे शैम्पू का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, शैम्पू आप 1 से 2 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकती हैं, आप अपने बालों को उससे वॉश कर सकती हैं। लेकिन जब आपने ये हेयर स्प्रे हेयर सीरम अपने बालों में लगाना है तो उसके बाद आपने शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना, बस आपने सादा पानी से अपने बालों को वॉश कर लेना है। आप देखेंगे तकरीबन 1 वीक में ही आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके बाल जो गिर रहे होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना रुक जाएंगे, आपके बालों में शाइन भी आ जाएगी, आपके बालों का जो वॉल्यूम है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपके बाल हेल्थी हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप खुद सोचेंगे कि वाकई ये इतना ज़बरदस्त सा सीरम है। और इस हेयर सीरम का ये फ़ायदा है कि आप इसे बनाकर फ्रिज में 1 से 2 दिन तक स्टोर भी कर सकती हैं, आप 1 वीक तक इसे आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं, इसे आप बच्चों पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चे बड़े बूढ़े सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट इतना अमेजिंग है, आप खुद हैरान होंगे कि ये सीरम आपको पहले क्यों नहीं पता लगा। इससे आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, लॉन्ग हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपने देखा है कि ये हमने घर पर ही इस्तेमाल होने वाली हर्बल चीज़ों से ये हेयर ग्रो सीरम तैयार किया है, तो इसका रिज़ल्ट भी आपको 100% मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।